हाय, मेरा नाम शिराज है और मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ और ये मेरी ज़िंदगी का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला था, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट मोटो व्लॉग था जो कि मैं बनाने जा रहा था। और हम जा रहे हैं खिप्रो, और खिप्रो में एक जगह है जो कि हिस्टोरिकल चीज़ों से भरी हुई है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मीरपुर खास से 58 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम खिप्रो पहुंचे, और खिप्रो से हम थोड़ा ही आगे गए तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। भाई, मेरी जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस मगर बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। और अभी हम अच्छे थर में मौजूद हैं, और अभी हम ढूंढ रहे हैं किसी को जो हमारी गाड़ी का टायर पंचर। हमारी गाड़ी का टायर ठीक करा के हम फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि एक म्यूजियम था। तो आप ये अंदर से देखना। ओहो, मर के झगड़ के फाइनली ठीक है। इस म्यूजियम का नाम है अताचानिया म्यूजियम, जो कि काफ़ी मशहूर और काफ़ी ज़बरदस्त म्यूजियम है, जो कि हर उस इंसान को पसंद आएगा जो कि हिस्टोरिकल चीज़ों से प्यार करता है। और ये एक ज़बरदस्त शौक है और हम इस शौक को सराहेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे आएँ और घूमें और इस म्यूजियम को देखें। ये जो मेरे पीछे आप जो पत्थर देख रहे हैं, ये पहले लकड़ी थी और ये हज़ारों सालों के बाद ये एक पत्थर में तब्दील हो गई हैं। ये फॉसिल है। और उसके अलावा ये आप पुरानी चीज़ें देख सकते हैं, मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगा। इसके अलावा सिंध से रिलेटिव हमने सिंधी साज भी देखे यहाँ पे। हमने यहाँ पे मिट्टी के तेल पे चलने वाला एक पंखा भी देखा, जो कि काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पे हमने एक बग्घी भी देखी, जो कि काफ़ी टाइम पहले ये भी ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पे देखी, और एक पुराना कैमरा है, बहुत सारे लालटेन के किस्म। और इसके अलावा हमने एक वायलिन देखा, और यहाँ पे बहुत सारे हुक्कों के किस्म देखे, और यहाँ पे हज़ारों साल पुराने सिक्कों की कलेक्शन देखी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त थी। उसके अलावा हमने यहाँ पे दुनिया का पहला रेडियो देखा, जो कि ब्रिटिश मार्कोनी कंपनी ने 1897 में लॉन्च किया था। अता मोहन जानिए का ये म्यूज़ियम ये साबित करता है कि सिंध की सकावत कितनी खूबसूरत है और कितनी ज़बरदस्त है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम एक नई जर्नी पे जाएंगे और एक नया व्लॉग बनाएंगे जल्दी। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।